हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आफ्टर लॉन्ग टाइम, काफ़ी टाइम बाद जो है व्लॉग आ रहा है, और रीज़न ये था कि कामों में कुछ ज़्यादा बिजी था, तो अब फाइनली जो है जो मेरा बिजी टाइम था ख़त्म हो गया, और अब आपको डेली बैक टू बैक वो व्लॉग आएंगे। और जो है आज का सीन ये है कि आज हम जा रहे हैं लंदन के मोस्ट फेमस एक लाउंज है, नोवा लाउंज। वहाँ पर एक टर्किश बंच होता है जिसको कहते हैं कुछ टर्किश कुजीन टाइप का, कुछ एक बंच है जो काफ़ी चीप भी है, सैटरडे संडे होता है। तो आज हम वहाँ जाएंगे, आज आपको दिखाएंगे कि किस तरह का वहाँ पर जो है ना एक चीप आप जो है ना एक अच्छे एक्सपेंसिव लाउंज में एक चीप ब्रेकफास्ट किस तरह इंजॉय कर सकते हैं। तो आज आपको भी दिखाएंगे। और आगे से रमज़ान भी आ रहा है, कुछ 2 वीक्स रह गए हैं, तो रमज़ान की भी आपको दिखाएंगे वाइब्स, किस तरह यूके के अंदर रमज़ान को जो है ना मनाया जाता है, किस तरह रमज़ान को स्पेंड किया जाता है। तो वो सारा आपको जो यूके के वाइब्स है वो भी इंशाल्लाह ज़रूर दिखाएंगे। तो अभी बिना टाइम ज़ाय करते हैं व्लॉग स्टार्ट। तो जनाब अभी आ गए हैं अब्दुल्ला के घर के पास, और अब्दुल्ला को लेने, और अब्दुल्ला का वेट कर रहे हैं, अब्दुल्ला आए तो उसको ले। और ये अब्दुल्ला साहब आ गए हैं, अब्दुल्ला साहब बड़े तैयार शहर होके ऐसा लग रहा है कहीं जो है ना हम क्रिकेट मैच के लिए जा रहे हैं। कैप शैप क्या हाल है? तो भाई अब्दुल्ला आ गए हैं। अब्दुल्ला कैसी रही नींद आपकी? रिलैक्स एंजॉय किया, फिर रेस्ट अप हो गया? चलो जी गुड हो गया। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? नोवा लाउंज सस्ता वाला ब्रेकफास्ट करने, महंगी जगह में सस्ता ब्रेकफास्ट, बस ही लियारी वाला काम, लियारी वाला काम। देखिए आप मौसम बड़ा जबरदस्त है आज। आज वैसे अब्दुल्ला कोई ऐसी जो है ना बारिश वारिश भी नहीं हो रही, और अच्छा वेदर है यार, काफी अच्छा वेदर है। क्यों? वेदर भी अच्छा लग रहा है मुझे, और मुझे लगता है कि आज जो है ना शाम में शायद रेन हो सकती है, लेकिन मैंने वेदर चेक किया था 50% रेन है, तो मौसम तो अच्छा है यार। जी तो हम पहुंच गए हैं नोवा लाउंज, जहां पर पाकिस्तान का मोस्ट फेमस टिम हॉर्टन्स भी है। आप देख सकते हैं यहां पर जिसने पाकिस्तान में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिए सारे। तो ये रहा टिम हॉर्टन्स ड्राइव थ्रू, जहाँ पर हम लेट नाइट आया भी करते हैं। और ये है नोवा लाउंज, ये आप देख सकते हैं, जहाँ पर अभी हम जाएंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो चलते हैं, ये है नोवा लाउंज, और यहाँ पे पार्किंग देखते हैं, फिर गाड़ी को पार्क करते हैं। जी अभी यहाँ करेंगे गाड़ी को हम पार्क। जी कहाँ पार्क करें यार? यहाँ पार्क कर देता हूँ, मेरे ख्याल से जगह है। अब्दुल्ला का जो है ना फोन चला गया सीट के नीचे, जो फोन कर रहा हूँ मैं अब्दुल्ला को, ये मिल गया ये सीन बहुत होते हैं यार ये गाड़ी वाले। और मैं अब्दुल्ला को जो है ना मैं डरा रहा था, मैंने कहा अब्दुल्ला तेरा फोन कहीं बाहर गिर गया। अब्दुल्ला की सांसें जो है ना, अब्दुल्ला की सांसें ऊपर आई हुई थी कि यार ये क्या हो गया, क्योंकि इसी में मेरा कार्ड है। यहाँ से आ गया भाई, गाड़ी हो गई है पार। कभी चलेंगे नोवा लाउंज अंदर। और ये है नैंडोज, नैंडोज में भी काफ़ी जो है ना ट्रैफिक है, फुल है यार। और ये है टिम हॉर्टन्स, जो जिसने पाकिस्तान की तारीख के सारे ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। वैसे अब्दुल्ला एक बात तो अच्छी है कि हमें टिम हॉर्टन्स में बर्गर लेने के लिए लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा 2 घंटा लाहौर की तरह। अब ये लाहौरियों का काम है कि ऐसे खड़े हो जाते हैं। देखो यार थोड़ा सा सबर करना चाहिए थोड़ा यार, 1 महीने बाद खा लेते बर्गर, इतना क्या जलती पड़ी थी कि 6 घंटे की लाइनें बना ली। तो यार हम आ गए हैं बैक टू बैक नोवा लाउंज, और नोवा लाउंज में आपको दिखाएंगे किस तरह का ब्रेकफास्ट मिलेगा, किस तरह का नहीं, फर्स्ट टाइम है मेरा भी। तो ये है यहाँ का नोवा का एंट्रेंस रिसेप्शन, और काफ़ी कूल है, काफ़ी रॉयल टाइप का। और ये एंटीक पार्ट, इन लोगों ने यहाँ मीट्स के जो है ना बुशल्स लगाए हुए हैं या फ्रेम के अंदर आपको दिखाने के लिए, बेहतरीन ज़बरदस्त आप देख सकते हैं मीट्स बुशल्स लगाए हुए हैं। एक इन लोगों ने एक सैंपल्स के तौर पर डेमो यहाँ पर सैंपल किया हुआ है, इनको फ्रीज करके यहाँ पर डेमो के अंदर रखा हुआ है, एक टाइप का फ्रीजर भी। तो काफ़ी रॉयल वाइब्स है, काफ़ी ज़बरदस्त है,
आई एंजॉय, मुझे काफ़ी पसंद आया। आप देख सकते हैं इस तरह का कुछ उसके बाद ये किचन है, काफ़ी मैसिव है, काफ़ी बड़ा है और आई थिंक सबको एक बार जो है यहाँ एक्सपीरियंस ज़रूर करना चाहिए। तो हमारा टेबल वहाँ अंदर हुआ है तो अंदर चलते हैं, अभी ब्रेकफास्ट ऑर्डर करते हैं और आपको दिखाते हैं ब्रेकफास्ट में क्या है। और अभी हमें जो है सीट पर ले जाया जाएगा और काफ़ी ज़बरदस्त लाउंज है, काफ़ी इन्वायरमेंट बहुत अच्छी है, काफ़ी रॉयल इन्वायरमेंट है। तो आपको दिखाते हैं फूड कैसा है इनका। तो ये आ गया है हमारा ब्रेकफास्ट, सारा हमारा ब्रेकफास्ट है। आई थिंक अभी पूरा नहीं आया, मेरा एग आना बाकी है और एग के साथ जो है उसके टर्की सॉसेज अब्दुल्ला के आना बाकी है। तो अभी जो है ना ये आ गया है, ये है डेड सोडी, ये कुछ टाइप की चटनी है, ये सॉस है, ये है हनी और ये कुछ जैम है, स्ट्रॉबेरी जैम, ये भी कुछ क्रीमी चॉकलेट है, ये पनीर टाइप कुछ है, चीज़ है एंड ऑलिव ऑयल आ गए हैं एंड इट्स लाइक कैरेट कमिंग कैरेट एंड ये फ्रूट का कुछ थोड़ा सा बंच है, उधर उधर वेजिटेबल बंच है और ये है टर्किश ब्रेड। और पानी भी काफ़ी जो है ना अच्छा एक्सपेंसिव बॉटल भी है, तो काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है और खाना काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। खाते हुए देखते हैं कि अब यार खाने में कैसा लगता है, टेस्ट कैसा है। तो मैं तो बड़ा एक्साइटमेंट हूँ क्योंकि खाना देखने में इतना मज़े का लग रहा है तो खाने में तो वाह, ब्रेकफास्ट ऐसा हो तो मज़ा ही आ जाए। तो ये आ गया है मेरा ब्रेकफास्ट, मेरा फ्राइड एग एंड अब्दुल्ला शो मी योर सजूट, ये है सजूट, है एक टर्किश लाइक इट्स लाइक अ टर्किश सॉसेज और काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट है। आप देख सकते हैं देखने में इतना टेस्टी लग रहा है और काफ़ी मतलब रीज़नेबल है, काफ़ी अच्छी इन्वायरमेंट में है तो आई एंजॉय। तो जनाब ब्रेकफास्ट हो गया, ब्रेकफास्ट के बाद मेरे लिए आया है कैरेट, फ्रेश कैरेट जूस। वाह यार देखने में कितना यम्मी लग रहा है, वाह। और हमारा ब्रेकफास्ट ख़त्म हो गया, अभी हम पियेंगे टर्किश टी जो हमारे लिए बहुत बेहतर है। तो ये हमारी टर्किश टी के साथ जो है कप और ये कुछ शुगर आ गया है, थैंक यू। ये हमारी टर्किश टी आ गई है और ये अब्दुल्ला डाल रहे हैं टर्किश टी हमारे लिए, वाह। तो जी ब्रेकफास्ट कर लिया हमने, काफ़ी मज़े का ब्रेकफास्ट था, काफ़ी फ्रेश और काफ़ी एंजॉय किया हमने। अभी हम बैठे हैं और टर्किश टी पी रहे हैं और फिर इसके बाद देखते हैं, हो सकता है हम कोई शॉपिंग सेंटर जाए या शेफर्ड भूल जाए तो आपको भी दिखाएंगे। और ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी ज़बरदस्त था और काफ़ी हमने इंजॉय किया, तो वेल एंड गुड, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। ब्रेकफास्ट हो गया है और अभी हम नोवा लाउंज से निकले हैं बाहर और काफ़ी जो है टेस्टी था ब्रेकफास्ट, काफ़ी इंटरेस्टिंग था और प्रॉपर टर्किश कुजीन था, अच्छा था सारा सब कुछ। अब्दुल्ला आपको कैसा लगा? नाइस ब्रेकफास्ट, बंच अच्छा था, सही था, आई थिंक एनवायरनमेंट भी अच्छी थी, अच्छा एक्सपीरियंस अच्छा था, एक काइंड ऑफ रॉयल एक्सपीरियंस था सारा, तो हमने काफ़ी इन्जॉय किया। अभी जा रहे हैं कुछ आई थिंक शेफर्ड बुज की साइड पे और वहाँ पे आपको शॉपिंग सेंटर जो है यहाँ पर वेस्ट फील्ड का वो सारा दिखाते हैं। तो अभी आ गए हैं पार्किंग में, गाड़ी में बैठेंगे और आपको दिखाएंगे यहाँ का वेस्ट फील्ड सेंटर जो है। तो जी गाड़ी में आ गए हैं,
तो जी अभी गाड़ी में पेट्रोल पंप पे आए थे, पेट्रोल डलाया गाड़ी में और पेट्रोल मेरा पूरा हो गया। कुछ 18 लीटर कुछ इस तरह का पेट्रोल मैंने डलाया गाड़ी में और अभी गाड़ी के फ्यूल को बंद किया है। और वहाँ सामने आप देख सकते हैं सलेट जो है, जो आप यहाँ बेसिकली ऐसा होता है कि आप खुद बाय सेल्फ पेट्रोल जो है ना गाड़ी में अपनी डालते हैं और फिर वहाँ सामने शॉप पे जाके जो है ना आप उनको पैसे पे करते हैं। तो इस तरह यहाँ वर्क होता है, यहाँ पेट्रोल पंप पे कोई भी नहीं होता जो आपको पेट्रोल डाले कुछ सर्व करे। तो काफ़ी अच्छा है, किसी टाइम भी आप आके खुद जो है ना पेट्रोल गाड़ी में डाल के और खुद जा सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा सिस्टम है। अभी चलते हैं गाड़ी में और अभी हम जाएंगे कहाँ, शेफर्ड बुश और ये कह रहे हैं भाई के कुछ शॉपिंग वगैरह करते हैं, देखते यार हैं। देख लेंगे कोई टी शर्ट वगैरह, तो विंडो शॉपिंग है और इन भाई का तो देख लेते हैं, काफी बड़ा मॉल है वहाँ की। इन भाई ने कार भी ली है तो ये कुछ ना कुछ दिला दे, बड़ी बात है भाई। जी आ गए हम वेस्टफील्ड, ये वेस्टफील्ड कुछ बाहर से इस तरह का दिखता है, काफी बड़ा है, काफी मैसिव है। आप देख सकते हैं कि काफी मैसिव है यहाँ का ये जो वेस्टफील्ड है, ये देख सकते हैं आप यहाँ से। तो अभी हम जाएंगे इनसाइड पार्किंग के अंदर और पार्किंग भी काफी बड़ी है, ये सारा वेस्टफील्ड है, काफी जिसको कह सकते हैं आपके लंदन का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर है वेस्टफील्ड। तो जनाब अभी हम आ गए बुर्जुल खलीफा के ऊपर, बुर्जुल खलीफा के ऊपर हम लोग जहाँ पर हाई पैड्स उतरते हैं, तो वहाँ पर अभी हम आ गए। आप देख सकते हैं ये सारा बुर्जुल खलीफा के ऊपर का नज़ारा है और अभी हम आपको बुर्जुल खलीफा भी दिखाएंगे। क्यों भाई इंग्लिश बुर्जुल खलीफा। तो यार ये है वेस्टफील्ड की पार्किंग सारी और काफ़ी बड़ी पार्किंग है, काफ़ी मैसिव पार्किंग है यार, इतनी बड़ी पार्किंग है कि आप जो है ना इसमें अगर गुम हुए और मोबाइल के नेटवर्क ना हुए तो मिलना मुश्किल है। फिर अभी यहाँ से लिफ्ट में हम जाएंगे ऊपर शॉपिंग सेंटर में उतने के। तो वेस्ट फील्ड के अंदर इंटर हो रहे हैं और अभी जाएंगे ऊपर, ये आई थिंक ये मोस्टली ग्राउंड फ्लोर है, हम जाएंगे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। ये है वेस्टफील्ड का ग्राउंड फ्लोर, बबल लॉजी, बबल टी, प्राइमार्क, काफ़ी बिजी है यहाँ प्राइमार्क, काफ़ी बिजी है क्योंकि आज संडे है, संडे को मोस्टली सबकी ऑफ होती है, तो काफ़ी बिजी है, देख सकते हैं आप, जैसे लग रहा है जैसे कोई इवेंट है। और ये हैमलीज है टिक्स का जो है ट्वाइस, यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त मिलते हैं मूव प्रोज। तो जी ये है मेरा वन ऑफ फेवरेट ब्रश का, जिसके आउटफिट्स मैं पर्सनली लाइक करता हूँ, जो जैकेट मैंने अभी पहनी है वो भी इसी ब्रांड की है, तो दिखाते हैं आपको। या वुमेंस भी है, मेंस भी है और काफ़ी ड्रिप है इनके पास, काफ़ी जो है ना न्यू फैशन इन फैशन इनके पास आइटम होते हैं। तो मैं जितनी भी नॉर्मली अपनी शॉपिंग कर रहा हूँ आजकल वो यहाँ ब्रश्टा से कर रहा हूँ। ये कुछ शर्ट्स हैं ओवर साइज, इसका जो टेक्सचर है कपड़े का वेरी सॉफ्ट, बहुत ज़बरदस्त है। बेटर देन वो
अभी हम आए हैं H&M में, H&M को भी चेकआउट करेंगे। ब्रश्का में कुछ ऐसा खास नहीं मिला, उनकी न्यू वैरायटीज अभी नहीं आई, लॉन्च नहीं हुई। तो अभी हम आए H&M में, H&M के आउटलेट को चेकआउट करेंगे। H&M के 3 फ्लोर, 2 फ्लोर जो है वो लेडीज एंड किड्स के हैं एंड टॉप फ्लोर जो है वो है बैंक का। अभी हम जा रहे हैं टॉप फ्लोर पे और चेकआउट करेंगे। आई थिंक इनकी H&M की न्यू वैरायटीज आई हुई, देखते हैं कुछ अच्छा मिल जाए। यहाँ है सूट्स के सेक्शन, सूट्स जो है यहाँ पर बस मिड क्वालिटी है, इतने कोई ख़ास भी नहीं है, लेकिन उनकी फिटिंग्स, उनका जो टेलर है वो काफ़ी मज़े का है। जब आप पहनते हैं तो आपको अच्छा फील होता है। तो प्राइजेस की काफ़ी ठीक ही है, नॉर्मल है। ये है 49 पाउंड का, मतलब 50 पाउंड का ऑलमोस्ट ये है। तो यार एक होता है ना कि एक कलर, एक कोई ऐसी चीज़ होती है, एक शर्ट होती है जो आपको बहुत ही अपनी लाइफ में पसंद होती है, जिसको आप देखते हो तो आपके मुंह में पानी आता है। तो ये वो कलर है, ये वो कॉटन की शर्ट है जिसको देख के मेरे मुंह में पानी आ जाता है। कभी भी कहीं भी ये शर्ट जो है ना, मैं अगर मुझे नज़र आए तो मैं उसको बाय करता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो उसका टेक्सचर कॉटन का बहुत मज़े का। तो अभी यार हम आए हैं नाइकी की ओरिजिनल आउटलेट में, जहाँ पर नाइकी का ओरिजिनल जो है सारा मिलता है, उसको आप कस्टम मेड भी करा सकते हैं यहाँ पर। ये मेरे पीछे देख सकते हैं स्नीचर्स कुछ, सारा नाइकी का ओरिजिनल है। ये भाई इधर बैठा हुआ ऐसा लग रहा है, डर लग गया ऐसे, ऐसा लग रहा है कि ये रियल है। ये भी यहाँ का ट्रिप स्टाइल है। ये सारा नाइकी ओरिजिनल जो है उसका कस्टम मेड टी शर्ट्स काफ़ी यूनिक है यहाँ पर। ये इसके नाइकी का शूज और टोयोटा गाड़ी वालों ने अपना जो है शोरूम लगाया हुआ है, लोग गाड़ियां चेक करा रहे हैं, क्योंकि टोयोटा गाड़ी यहां पर ज्यादातर लोग बाय नहीं करते। स्पोर्ट्स कार भी है, इंडिविजुअल कार भी है, नॉर्मल कार भी है इसमें। चाय लो जी, आए थे चाय लेने के लिए, भाई से मांग रहे पानी, भाई ने शीशे की बोतल पकड़ा दी है। भाई देखो हंस रहे मेरे को देख के, शीशे की बोतल पकड़ा दी है महंगी वाली, पानी अंदर बिल्कुल थोड़ा सा है, तो मेरा हलक भी नहीं सूखा। हाँ भाई चाय लो जी, वालों हंस रहा है, हंस रहा है मुझे, महंगी बोतल बेच के हंस रहा है। चलो यार हमने ये फज केक ऑर्डर किए हैं, चाय भी ऑर्डर किए, दो कड़क चाय ऑर्डर किए। जनाब अभी हम आए हुए हैं चाय लोजी पे, चाय ऑर्डर किए। आपको पता है पाकिस्तानी पूरा दिन घूमे फिरे, खाना खाए, जो भी करे, एंड में चाय ना पिए ना उनका दिन पूरा नहीं होता। तो बस फिर एंड में भी हम आ गए चाय पीने, अभी चाय पियेंगे और चाय पी के फिर हम जाएंगे घर, फिर रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे। आज का दिन हुआ पूरा, नेक्स्ट डे फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे कहाँ जाना है अपने। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।